हेलो बच्चों, वेलकम टू बालाजी विद्यापीठ। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक है, बहुत ही बढ़िया लेक्चर होने वाला है आज का। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अपने चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था पूरा डिटेल्ड में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को भी थोड़ा हमने आइडिया लगाया था कि कैसे हो सकता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वगैरह वगैरह हमने बात करी थी। वहाँ पे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन के बारे में हमने बात करी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे अपने प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, और सेल रिप्रेजेंटेशन और इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन ऑफ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, ऑन गैल्वेनिक सेल, अगर गैल्वेनिक सेल पे हम कोई एक्सटर्नल बैटरी अटैच कर देते हैं तो गैल्वेनिक सेल पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लीजिए। पहली हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने सिर्फ इनर्ट पढ़ा था। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो दो इसकी प्रॉपर्टी थे बच्चों, मेन मेन वो हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, देखो नाम से पता चल रहा है क्या है, इनर्ट है। इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव। इसका जो मेरा पहला पॉइंट होगा वो होगा कि बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट टेक पार्टिसिपेट पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द सेल रिएक्शन एट एनोड एंड कैथोड। ठीक है, कैथोड जो मेरी बेसिकली आयंस थे, ये मेरा सॉल्ट ब्रिज था। ठीक है, मैं इधर बना देता हूँ वापस से, यू शेप्ड मेरा सॉल्ट ब्रिज था कुछ इस टाइप से। इसके अंदर हम अपना क्या भरते थे बच्चों, सेमी सॉलिड पेस्ट भरते थे। ठीक है, सेमी सॉलिड पेस्ट किसके साथ मिला के, विद इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, विद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट ये मिला के हम भरते थे। तो हम इसमें KCl मान लो भर दिया, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अगर इधर मेरा जो सोल्यूशन था जिंक का, वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा था, वो सॉरी पॉजिटिवली चार्ज हो रहा था, इधर से सारे इलेक्ट्रॉन कॉपर की तरफ जा रहे थे, और कॉपर वाला जो मेरा सोल्यूशन है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा था, तो Cl नेगेटिव इस पॉजिटिवली चार्ज सोल्यूशन में आके इसे न्यूट्रलाइज कर रहा था, और उधर मेरा के पॉजिटिव जाके उस नेगेटिव सोल्यूशन को जाके क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइज कर रहा था। ठीक है, तो हमने बोला क्या है, बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड नॉट टेक पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द सेल रिएक्शन। ठीक है, अगर ये जाकर इसमें रिएक्शन करने लगे तो क्या मेरा सेल वर्क करेगा, नहीं करेगा। तो ये कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। मतलब अगर मेरा के पॉजिटिव इधर आ रहा है और सी एल नेगेटिव जिंक वाले मेरा जिंक सल्फेट सोल्यूशन में आ रहा है, तो आखिर उसके साथ कुछ रिएक्शन ना करे तो ही जो मेरा सोल्यूशन है वो वर्क करेगा। तो ये इसकी हमारी प्रॉपर्टी है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे यहाँ पे, दूसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, तो दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है बच्चों मोबिलिटी 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 ठीक है, देख लेना, मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयंस। ठीक है, मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयंस ऑफ इनर्ट इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम। ठीक है, शुड बी सेम होनी चाहिए बच्चों, शुड बी सेम।
देखो अब मैं इधर बना ही देता हूँ, अब कंटेनर क्या जा रहा है उसके बाद तो फिर हमें बात करनी है। जैसे ये मेरे कंटेनर थे, इधर मेरी जिंक की रॉड थी ये ऐसे मस्त, और इधर मेरी कॉपर की रॉड थी, ठीक है। इधर से मेरा सी एल नेगेटिव आ रहा था क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज हो गया था सोल्यूशन, उधर मेरा के पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिवली मेरा चार्ज हो गया था सोल्यूशन। कैसा हो गया था? नेगेटिवली चार्ज, और ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इधर मेरे, इधर वाले सोल्यूशन में मेरे 1 मिनट में, 1 मिनट में 100 Cl नेगेटिव आयन्स आ गए। कितने? 100 Cl नेगेटिव आयन्स आ गए कितने मिनट में? 1 मिनट में। और इधर मेरे, इधर की तरफ मेरे 1 मिनट में कुछ जो है इसकी स्पीड कम है, मतलब जो मेरा क्लोरीन है इसकी स्पीड ज्यादा थी और जो मेरा पोटेशियम है वो उसकी स्पीड कम थी, ठीक है। तो ये मेरे 1 मिनट में कुछ कम आए, ये मान लो ये आए मेरे 90 Ke पॉजिटिव आयन्स मेरे इधर आए कॉपर सल्फेट वाले सोल्यूशन में। जिंक सल्फेट वाले सोल्यूशन में मेरा जो Cl है वो 1 मिनट में 100 आयन्स आ गए और उधर मेरे 90 आयन्स आ गए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो मेरे Cl आयन है उसकी स्पीड कुछ ज्यादा होगी और इसकी स्पीड कुछ कम होगी क्योंकि वो कम पहुंचे 1 मिनट में, तो ये कम पहुंचे ना और ये ज्यादा पहुंचे 1 मिनट में, तो ये तो एक तरफ न्यूट्रलाइज कर देगा अपना सोल्यूशन, लेकिन ये नहीं कर पाएगा क्योंकि 1 मिनट में कम पहुंच रहा है। तो दोनों की स्पीड कैसी होनी चाहिए? इक्वल। अगर ये मिनट में, 1 मिनट में 100 आयन्स जा रहे हैं तो ये भी 1 मिनट में कितने आयन्स पहुंचने चाहिए कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में? 100 ही पहुंचने चाहिए। अब ऐसा भी ना हो कि ये 100 पहुंच रहे हैं और ये 60-50 पे आ गए, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो है वो ये याद करने वाली चीज है बच्चों, ठीक है। समझना तो समझना है ही, क्या है? मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयन्स। मोबिलिटी में यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन मोबिलिटी इज द बेस्ट वर्ड हेयर, ठीक है। क्या करेगी मोबिलिटी? अगर मोबिलिटी सेम है तो जरूरी नहीं है स्पीड भी सेम होगी, ठीक है। मोबिलिटी ऑफ बोथ द आयन्स ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट शुड बी सेम, ठीक है, शुड बी सेम। दोनों एक ही फ्लो से जाने चाहिए, एक ही स्पीड से जाने चाहिए नीचे कंटेनर्स में। ये ना हो कि वो पहले चला गया वो बाद में जा रहा है, कि मैं नहीं जाऊंगा, वो पकड़ के रुका हुआ एक जगह ही, सेमी सॉलिड पेस्ट ने रोक लिया कि रुको बातचीत करके जाना मेरे साथ, ठीक है। दोनों इक्वल स्पीड से नीचे आने चाहिए कंटेनर्स में, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस हमारे, ठीक है। तो ये मेरी दो प्रॉपर्टीज हैं बच्चों इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट की, आप इसे नोट डाउन करिए। उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट बात करेंगे इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन गैनोलिक सेल, जिसका हम एग्जाम्पल लेंगे बच्चों डैनियल सेल का, ठीक है। डैनियल सेल इज जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल क्या है मेरा? एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। नोट डाउन करो इसे, नोट डाउन करो। हो गया, चले आगे, चले, चलो हेडिंग लगा लो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन गैल्वेनिक सेल। इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल। और इसको हम एग्जांपल किसका लेंगे? डैनियल सेल का, ठीक है। डैनियल सेल का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे अपना। तो आपको डैनियल सेल की वर्किंग तो पता ही है, तो आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हो, जिसको नहीं पता थोड़ी सी सुनेंगे यहाँ पे, है ना, वरना आप भी जाके फर्स्ट लेक्चर प्रेफर कर सकते हैं पहले, वरना थोड़ी सी तो मैं यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि हमारे यहाँ पे काम आने वाला है काफी, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ पे एक सेल बना लेते हैं अपना, मस्त एकदम छोटा सा सेल बनाएंगे, ज्यादा बड़ा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। ये मेरे पास दो कंटेनर आ गए और इधर मैं अपने दो इलेक्ट्रोड्स ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा जिंक इलेक्ट्रोड है, आप लोगों को पता है डैनियल सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड और जिंक का इलेक्ट्रोड इस्तेमाल होता है,
सिंक इलेक्ट्रोड, और इधर मैं ले लेता हूँ अपना कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसके अंदर जो मैं सोल्यूशन फिल कर रहा हूँ, ये मेरा सोल्यूशन किसका होगा? जिंक सल्फेट का। ये मेरा सोल्यूशन, ये है मेरा जिंक सल्फेट का सोल्यूशन। ठीक है, आप लोगों को भी बनाना है बच्चों, सेल दोबारा से आता है कोई बात नहीं, दोबारा बनाना है। ठीक है, और ये मेरे पास सोल्यूशन है इधर कॉपर सल्फेट का। ठीक है, हमने इसे वायर से कनेक्ट किया था। ठीक है, ये बीच में हमने अपना डिफ्लेक्टर लगाया था। ठीक है, इसे एमीटर भी बोल सकते हो, वोल्ट मीटर भी बोल सकते हो, गैल्वेनोमीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके, तो हमने डिफ्लेक्टर बोल दिया। अब इधर मैंने अपना एक सॉल्ट ब्रिज भी लगा दिया है ना। इसके अंदर मेरा KCl भरा है। ठीक है, के इधर जाएगा क्योंकि नेगेटिवली चार्ज, सीएल इधर आएगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, कुछ इस तरह से कहानी चल रही है अपनी, न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। अच्छा, ये मेरा सॉल्यूशन, मतलब ये मेरा डैनियल सेल हो गया, ये कंप्लीट एकदम। ये बीच में मेरा सॉल्ट ब्रिज लगाया, इसे बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर KCl सॉल्ट है ना, सॉल्ट ब्रिज हो गया। ठीक है, इसे हम क्या बोलते थे बाहर वाले को, इसे बोलते थे एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट। और इसे हम बोलते थे बच्चों, सॉल्ट ब्रिज को क्या बोलते थे? इसे बोलते थे हम इंटरनल सर्किट, इंटरनल सर्किट। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमने करा क्या, हमने क्या करा, ये जो मेरा सेल था इसे हमने एक एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया। कैसे जोड़ दिया? एक एक्सटर्नल बैटरी से। ये मेरा देखो एनोड था एंड दिस वन इज कैथोड। कैथोड मेरा पॉजिटिव था है ना, और वेयर एनोड इज नेगेटिव, एनोड इज नेगेटिव। ठीक है, इसका जो मेरा बच्चों डैनियल सेल का जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डैनियल सेल इज 1.1 वोल्ट। ये इंग्लिश में क्यों लिख रहा हूँ मैं, इज 1.1 वोल्ट होती है बच्चों। ठीक है, 1.1 वोल्ट होती है, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम ई सेल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ई ऑफ सेल से। इसे रीड करेंगे ई ऑफ सेल, तो कितना होता है ये डैनियल सेल का? 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है? 1.1 वोल्ट होता है डैनियल सेल का। ठीक है, तो हो क्या रहा था, ये सॉल्यूशन मेरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन्स वायर्स के थ्रू जा रहे थे कॉपर के पास। कॉपर के पास जो यहाँ पे मेरा CO2 पॉजिटिव था सॉल्यूशन में, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को आता देख खुश हो गया और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव चिपक गया। तो धीरे धीरे वक्त के साथ जो मेरी कॉपर की रॉड थी वो मोटी होने लगी थी है ना, कॉपर इस पे डिपॉजिट होने लगा था, चिपकने लगा था सॉलिड बन के, और जो मेरे जिंक था वो डिजॉल्व होने लगा था सोल्यूशन में, पतला होने लगा था। ये जो मेरी रॉड थी ये कैसी होने लगी थी? थिन। और ये जो मेरी कॉपर की रॉड है, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ये हो रही थी मेरी थिक। ठीक है, विद टाइम हमने इसे एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ जोड़ दिया बच्चों, एक एक्सटर्नल बैटरी के साथ हमने इसे जोड़ दिया। और इधर मैंने अब एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और रेजिस्टेंस अभी ये जीरो है। ये कितना है? जीरो है, और ये मेरा इधर कंप्लीट। ठीक है, ये कैसा चार्ज था मेरा इलेक्ट्रोड? पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इधर के पास हम अपना पॉजिटिव साइन रख देंगे, और इधर हमारा कैसा है, ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है, तो हमने इसे नेगेटिवली से जोड़ दिया। ठीक है, मतलब अपोजिटली जोड़ दिया है, पैरेलल में नहीं, अपोजिट। तो ये मेरा नेगेटिव चार्ज था, मैंने इसे पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया, और जो मेरा ये नेगेटिव था इसे मैंने इधर पॉजिटिव के साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये मेरा एक्सटर्नल बैटरी है,
और हम यहाँ पे एक चीज रखेंगे कि द वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी, वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल बैटरी बैटरी इंक्रीजेस इंक्रीजेस स्लोली, ठीक है, धीरे धीरे हम इसके वोल्टेज को बढ़ाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे तीन केस आते हैं बच्चों। पहला जो केस होता है मेरे पास, केस नंबर वन, केस वन क्या होता है, अगर E एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट होगा, मतलब हम अब क्या कर रहे हैं, बाहर से आउटपुट दे रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इस सेल के अंदर। अगर E एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट है तो क्या होगा, या फिर E एक्सटर्नल मेरा इक्वल है 1.1 वोल्ट के, तब क्या होगा, या फिर E एक्सटर्नल ग्रेटर देन है 1.1 वोल्ट के, तब मेरा क्या होगा, ठीक है। ये तीन केसेस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये मेरा केस टू है, ठीक है, केस नंबर टू, और ये मेरा केस नंबर थ्री होगा, ठीक है। इसे लिखो फिर मैं आपको बताता हूँ, इसे नोट डाउन करो पहले इतना। हो गया, चले आगे, ठीक है। अब हम अपने तीन केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं कि होगा क्या, उसके बाद फिर मैं आपको लिखवा देता हूँ तीन केस, ठीक है। देखो समझना, अगर जो मेरा ई एक्सटर्नल है, ई एक्सटर्नल लेस देन 1 वोल्ट होगा, यानी कि यहां से मेरा पॉजिटिव आ रहा है, ये मेरा पॉजिटिव है और ये मेरा कैसा है, नेगेटिव है, उधर से ये मेरा नेगेटिव आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। तो हमने अपोजिटली चार्ज, मतलब अपोजिटली ज्वाइन किया हुआ है, यहाँ से मैं अपोजिट चार्जेस भेज रहा हूँ इन दो इलेक्ट्रोड्स पे। तो होगा क्या, देखो अगर इसका मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 1.1 वोल्ट। अब बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, यानी कि जो ई एक्सटर्नल है वो 1.1 वोल्ट से कम होगा, तो क्या होगा, जो मेरा सेल है वो कैसे ही वर्क करेगा, जैसे अभी नॉर्मल वर्क कर रहा है वो एज इट इज वैसा ही वर्क करेगा, ठीक है, गैल्वेनिक सेल की तरह ही वर्क करेगा, ठीक है। और जो मेरा जिंक है वो डिजोल्व हो रहा होगा एनोड पे, और जो मेरा कॉपर है वो डिपॉजिट हो रहा होगा कैथोड पे, ठीक है, डिपॉजिट हो रहा होगा कैथोड पे। दूसरा पॉइंट, अगर मेरा ई एक्सटर्नल इक्वल है 1.1 वोल्ट के, मतलब जितना ये पोटेंशियल निकाल रहा है उतना ही वहां से आ गया अपोजिट में, ठीक है, ये 1.1 वोल्ट बाहर से ये आउटपुट दे रहा है, कितना 1.1 वोल्ट मेरा सेल, हमने बाहर से एक्सटर्नल बैटरी से कितना वोल्ट दे दिया, से 1.1 वोल्ट दे दिया अपोजिटली, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, भाई ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इक्वल चार्जेस हो गए ना, और ये फिर ये मेरा पॉजिटिव है और वहां से नेगेटिव आ रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस तब सेल का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और सेल विल नॉट वर्क, द सेल रिएक्शन विल स्टॉप, है ना, द सेल रिएक्शन विल स्टॉप, ये हो जाएगा मेरा। और तीसरे केस में मेरा क्या होगा कि जो मेरा ई एक्सटर्नल है अगर वो ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट होगा, मतलब अभी इसकी वैल्यू 1.1 वोल्ट हो रही है, आउटपुट दे रहा है 1.1 वोल्ट का सेल, अगर मैं बाहर से इससे ज्यादा वोल्टेज दे दूं, यानी कि पॉजिटिव की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, और ये कैसा है, नेगेटिव। भाई हमारे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, मान लो ये एक न्यूट्रल बॉडी है, इस न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या, जितने पॉजिटिव चार्ज उतने ही इस पे नेगेटिव चार्ज होते थे, है ना, और ये एक दूसरे को कैंसिल करते थे, ये इसे कैंसिल करेगा, ये इसे, ये पॉजिटिव इसे, ये इसे, ये इसे, और ये इसे कैंसिल करेगा, तो इस पे जो नेट चार्ज आता था वो जीरो आता था। लेकिन अब मैंने क्या करा, इस पे पॉजिटिव की मात्रा बढ़ा दी, तो जैसे जैसे मैं पॉजिटिव चार्ज बढ़ाऊंगा ये बैटरी कैसे चार्ज होने लग जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगी कि नहीं, है ना, पॉजिटिवली चार्ज होने लग जाएगी मेरी बॉडी। उसी तरह से यहाँ पे केस है मेरा, यहाँ पे हमने क्या करा, 1.1 वोल्ट से ज्यादा वोल्टेज इस सेल को देने चालू करे, तो जब इसको हम ज्यादा वोल्टेज देने चालू करेंगे 1.1 वोल्ट से, इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर दिया हमने बैटरी का, तो क्या होगा, ये जो पॉजिटिव आ रहा है ये इस नेगेटिव से ज्यादा है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव की, और यहाँ पे मेरा कैसा हो जाएगा, ये अब
ये पॉजिटिव था, ये कैसे हो जाएगा जब नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा आएगी, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा इलेक्ट्रोड पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, वाइल जो मेरा एनोड है, जो मेरा नेगेटिव है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव में। और हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा पूरा सेल है फिर किस तरह से वर्क करने लग जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह वर्क करने लग जाता है। बच्चों कैसे वर्क करने लग जाता है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, मतलब हमने पढ़ा भी था पहले लेक्चर में कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड मेरा पॉजिटिव होता है वाइल कैथोड इज नेगेटिव, ठीक है, और गैल्वेनिक सेल में मेरा एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड इज पॉजिटिव, ठीक है। इसे लिखते हैं लाइंस को, अभी सेल की हमें जरूरत पड़ने वाली है वैसे तो, इधर मैं लिखवा दूं कि आपको, ये तो मिटा देता हूं ना, इतनी लाइन मिटा देता हूं, ये तो पता ही है आपको क्योंकि सेल की भी हमें जरूरत पड़ेगी बच्चों, तो इधर मैं लाइन खींच के अभी लिख देता हूं, ठीक है। केस वन लिखो, केस वन क्या बोलता है, केस वन इफ इफ ई एक्सटर्नल, इफ ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट देन द सेल विल वर्किंग एज गैल्वेनिक सेल, ठीक है, गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करेगा, सेल, ठीक है, नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द रिएक्शंस, देयर इज नो चेंज इन द रिएक्शंस ऑफ द सेल, रिएक्शंस ऑफ द सेल, ब्रैकेट में लिखो, जिंक is dissolve at anode, है ना, dissolve हो रहा था, घुल रहा था तभी तो पतला हो रहा था, तो dissolve at anode पे हो रहा था, while copper is deposited at कैथोड, ठीक है, ये मोटा होता जा रहा था तो कैथोड पे डिपॉजिट हो रहा था, ये मेरा पहला केस है, ठीक है, इसे लिखो। दूसरे केस की अगर हम बात करें तो दूसरे केस में क्या हो रहा था, मेरा इक्वल हो रहा था, ये केस नंबर टू, ये केस नंबर टू, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, ये हमारी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल बैटरी ऑन गैल्वेनिक सेल, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है और काफी टीचर्स इसे अनदेखा कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ाते, ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए, ठीक है। दूसरा केस होगा, इफ ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट देन द सेल विल स्टॉप वर्किंग, ठीक है, द सेल रिएक्शंस विल स्टॉप, द सेल रिएक्शंस विल स्टॉप, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एंड, और लिख सकते हैं एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंस ऑफ द सेल विल बी जीरो,
है ना, जीरो, ये दो केसेस हो गए हमारे। इसे नोट डाउन करो, इसे नोट डाउन करो। तीसरा लिखते हैं, फर्स्ट वाला तो लिख लिया है ना आपने, लिखो जल्दी। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में क्या था मेरा, इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट, तब क्या हो रहा था मेरा, ये क्या कर रहे थे एक दूसरे को कैंसल आउट करके और इनकी अपनी वैल्यू ज्यादा कर रहे थे, मतलब पॉजिटिव आया नेगेटिव को बिल्कुल गायब कर दिया, लेकिन तब भी ये ज्यादा था तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया था और ये मेरा कैसा हो गया था, नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। इफ ई एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट देन द पोलैरिटीज, POLARITIES, पोलैरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, ये पोलैरिटीज विल रिवर्स, पोलैरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड्स विल रिवर्स्ड, ठीक है, सेल रिएक्शंस आर रिवर्स्ड, ठीक है, एंड द सेल विल स्टार्ट वर्किंग एज अ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और आता है बच्चों, और हम ये बोलते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ वर्क करने लगता है तो मेरा जिंक का यहाँ पे उल्टा प्रोसेस होने लगा, जहां पे वो डिजोल्व हो रहा था वहां पे वो डिपॉजिट होने लगेगा, यानी कि जिंक जो है अब डिपॉजिट होने लगेगा और जो मेरा कॉपर है वो डिजोल्व होने लगेगा, और यहाँ पे बच्चों मेरी TMC अप्लाई होती है, ठीक है, मतलब पक्का नहीं है, कभी कभी हो सकता है कि मेरा जो मतलब जिंक है वो इधर, आगे पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ेंगे तब वहाँ पे यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरफ वर्क कर रहा है तो जिंक जो है वो डिपॉजिट होने लग जाएगा और जो मेरा कॉपर है वो डिजॉल्व होने लग जाएगा, क्योंकि उल्टा वर्क कर रहा है। अभी गैल्वेनिक सेल में क्या होता था, जिंक मेरा डिजॉल्व होता था सोल्यूशन के अंदर और कॉपर सोल्यूशन से ऊपर आता था, डिपॉजिट हो रहा था इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, एट कैथोड। आ गया समझ में, ठीक है। तो मेरे पास ये तीन केसेस हैं, इसे भी आप नोट डाउन करिए। उसके बाद हम तीसरी हेडिंग लगाएंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। आवर थर्ड हेडिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। हो गया ये, चले आगे, चलिए देखते अपनी थर्ड स्टेट। अब मैं दोबारा से बनाना पड़ेगा, मैंने गलती से रब कर दिया इसे, ठीक है। कोई बात नहीं, जल्दी से बना देंगे। लिखिए हेडिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो ये मेरा बच्चों एक मेथड यूज होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल में, उसे हम लोन मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोन मेथड। ये लोन मेथड भी कहा जाता है और ये मेरा इधर सेड एन, ये
कॉपर। ठीक है बच्चों, ये जो मेरा सेल है, अभी पूरे सेल की बात नहीं करना है, इस सेल को हम इन सब से डिनोट करते हैं, एल ओ ए और एन। क्या बन गया? लोन। क्या बना? लोन। लोन का मतलब जिसमें हमारा एल आता है, एल का मतलब यहाँ पे होता है लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है। ओ का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। एनोड का मतलब, ए का मतलब एनोड होता है, और एन का मतलब इधर नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव। तो हम इसे लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं, लेफ्ट हाफ भी बोल सकते हैं, इसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल या ऑक्सीडेशन हाफ बोल सकते हैं। ठीक है, एनोड हाफ सेल या एनोड हाफ, और नेगेटिव हाफ सेल या नेगेटिव हाफ भी बोलते हैं इसे। हम जो बच्चे ये जो सेल है, इसे मैं डिनोट करता हूं अपने इनसे। इधर आता है मेरा आर, इधर भी आर, आर आर सी पी, आर आर सी पी। ठीक है, ये होता है मेरा राइट हाफ सेल या फिर रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल या फिर कैथोड हाफ सेल और पॉजिटिव हाफ सेल। पॉजिटिव हाफ सेल मेरा होता है। ठीक है, क्या होता है ये? कॉपर रॉड, और ये मेरी जिंक रॉड। जितनी बारी लिखोगे बच्चों, उतनी बारी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बेहतर है कि आप ज्यादा से ज्यादा बार सेल को बनाओ, और सेल की वर्किंग को जितना चाहे उतनी बार समझ सकते हो, ये आपको हेल्प ही करेगी। ठीक है, हो गया। तो ऐसे करके हम अपने सेल को लिखते हैं, हाफ सेल को। ठीक है, पूरा सेल हो गया तो डैनियल सेल बोलेंगे, हाफ सेल को लेफ्ट हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एनोड हाफ सेल या नेगेटिव हाफ सेल, और इधर राइट हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल या पॉजिटिव हाफ सेल। ठीक है, पॉजिटिव हाफ सेल। तो ये चीज भी लिख लो, ये चीज भी लिखो। ठीक है, अच्छा। अब जैसे मेरे पास डैनियल सेल था, तो उसमें इक्वेशन थी, ये तो हमने नेमली से रिप्रेजेंट कर दिया कि नेम से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इक्वेशन वाइज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों सेल को अपने? तो जैसे मेरे पास डैनियल सेल था, उसमें एनोड था और कैथोड था। ठीक है, एनोड पे मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, और कैथोड पे मेरा रिडक्शन हो रहा था, कैथोड पे मेरा रिडक्शन हो रहा था। तो एनोड पे जो ऑक्सीडेशन था, वो किसका और था? जिंक का, है ना। जिंक का मेरा रिडक्शन हो रहा था, जिंक जो था वो सॉलिड से इस सॉल्यूशन में टूट रहा था Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। तो Zn2 पॉजिटिव एक्वस स्टेट में था और +2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये एक्वस और ये सॉलिड नोटेशन आपको लिखनी लिखनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितनी बारी लिखोगे उतनी बारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उधर कॉपर में मेरा Cu2 पॉजिटिव जो था, वो इन जो यहाँ से मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को आता देख, है ना, वो खुश हो गया था और इस पे डिपॉजिट होने लग गया था कैथोड पे। तो Cu2 पॉजिटिव ने जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, उन्हें गेन करके ये किस में है? एक्वस में, +2 इलेक्ट्रॉन्स, और क्या बना लिया था? Cu सॉलिड। ठीक है, ये मेरा किस कलर का होता है बच्चों? ये मेरा रेड कलर का होता है, रेड इन कलर। कॉपर सॉलिड जो होता है, आपने देखा होगा कॉपर वायर जो हमारे घर में यूज होती है, वायर जो मेरा Cu2 पॉजिटिव आयन होता है, ये मेरा ब्लू इन कलर होता है, ब्लू इन कलर। आपने देखा होगा जो मेरी कॉपर की बॉटल्स होती हैं, या फिर कोई भी हमारे पास कॉपर का कुछ भी प्लेट वगैरह है, तो उस पर ब्लूइश कलर की हमारी हल्की सी लेयर लग जाती है ना, तो वो Cu2 पॉजिटिव आयन की होती है बच्चों। वाटर के साथ रिएक्ट करके वो लेयर बन जाती है, अगर प्योर है बिल्कुल, तो वो रेड कलर का होता है। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन जो जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, उन्हें गेन करके Cu2 पॉजिटिव मेरे पास सॉलिड बना लेता है, Cu सॉलिड। ठीक है, अच्छा। अब इसका मैं नेट इक्वेशन निकाल सकता हूँ बच्चों, नेट इक्वेशन ऑफ सेल। तो नेट इक्वेशन ऑफ सेल कैसे निकलती है बच्चों? हम क्या करेंगे इसे,
प्लस करेंगे तो देखो ये दो से ये दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, ठीक है। सबसे पहले ऐसे ही करना है, बट ये कैंसिल कब होंगे, जब दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, ठीक है। ज्यादातर सेम ही मिलते हैं, अगर नहीं सेम मिलते वही बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। अभी ये देखो दोनों इक्वेशंस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, हमने इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दिए। अब क्या बचा हमारे पास, ये सारा कुछ। अब इसकी नेट इक्वेशन हमें लिखनी है, तो देखो कैसे करेंगे, नेट इक्वेशन लिखेंगे, पहले लिखेंगे जेड एन सॉलिड, लिखो पहले मतलब ये और ये लिखेंगे, फिर ये और ये लिखेंगे। लिखो जेड एन सॉलिड प्लस, इसके नीचे क्या है, सी यू टू पॉजिटिव एक्वस, तो लिखो सी यू टू पॉजिटिव एक्वस, सी यू टू पॉजिटिव एक्वस, ठीक है। उसके बाद देखो अब क्या आएगा यहाँ पे, जेड एन टू पॉजिटिव, ठीक है। अब इसके बीच में एरो लगा देंगे, गिफ्ट क्या दे रहा है, जेड एन टू पॉजिटिव जो कि कैसा है, एक्वस, तो जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस प्लस सी यू सॉलिड, तो लिखेंगे सी यू सॉलिड। ये आ गई मेरी नेट इक्वेशन बच्चों, ठीक है। पहले ये वाला लिखा हमने, फिर उसके बाद ये और ये लिखेंगे, तो जेड एन सॉलिड सी यू टू पॉजिटिव एक्वस, उसके बाद जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस और सी यू सॉलिड, ठीक है। और इसे ऐसे भी समझेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा मेरा एनोड रहेगा और राइट हैंड साइड पे मेरा हमेशा कैथोड रहेगा, ठीक है। राइट हैंड साइड पे हमेशा रिडक्शन, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रहेगा। अच्छा, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, मतलब जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे थे और कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए जो जिंक ने लूज करे थे, तो दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करे थे, तो मेरे पास यहाँ पे नेट एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू आती है बच्चों, जिसे हम डिनोट करते हैं डिनोट बाय स्मॉल एन, और उसकी मेरी वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, टू आई है। ये चीज भी आप याद रखेंगे, कितनी आई है, टू आई है, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स, अगर सिक्स होते तो सिक्स आती है एन की वैल्यू दोनों तरफ, ठीक है। अगर थ्री होता तो थ्री आती है दोनों तरफ, ठीक है। ऐसे करके हम यहाँ पे एन की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, ये हमारी आगे चल के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इक्वेशन में इस्तेमाल होगी एन की वैल्यू, ठीक है। तो ये मेरी बेसिक सी क्वेश्चन है, अब थोड़ी हार्ड करेंगे हम, ठीक है, धीरे धीरे लेवल को अप करेंगे। तो यहाँ पे तो बच्चों देखो मेरा जिंक किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, और इधर कॉपर भी किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, तो दोनों का इलेक्ट्रोड बन सकता है, दोनों का इलेक्ट्रोड मेरा बन सकता है, क्योंकि दोनों मेरे सॉलिड की स्टेट में है। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि जिंक मेरा सॉलिड स्टेट में हो और फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा कोई दूसरा मेटल आ जाए और कोई एलिमेंट आ जाए जो कि गैसियस स्टेट में हो या एक्वस स्टेट में हो, तो आप खुद सोचो कि आप गैस का इलेक्ट्रोड बना सकते हो, नहीं बना सकते, या फिर आप एक्वस का इलेक्ट्रोड बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बनेगा तो सिर्फ सॉलिड का, लिक्विड का भी नहीं बनता है ना। तो ये भी देख सकते हैं आप, इसे मैं रब करता हूं और अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। फिर आप खुद भी एक बार ट्राई करके देखना, मैं आपको इक्वेशंस दूंगा। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गई एनोड पे, ठीक है। आपको इसका नेट इक्वेशन लिखना है और क्या करना है, सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है। अच्छा, उसकी मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन तो आपको बता ही नहीं है ना, एक मिनट, उसकी सेल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ मैं आपको पहले, उसके बाद आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करनी है उसकी, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन क्या आई थी उसकी, जेड एन सॉलिड प्लस सी यू टू पॉजिटिव एक्वस, यही थी। गिव्स क्या था, जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस प्लस सी यू सॉलिड, ये इक्वेशन आई थी, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन आई थी, तो अब इसका सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेल रिप्रेजेंट कैसे करना है बच्चों, सेल रिप्रेजेंट इसका देखो, यहाँ पे जो मेरा एक सिंगल बार होता है, एक डबल बार होता है, दो चीजें मेरी यहाँ पे यूज होती है। जो मेरा सिंगल बार है, सिंगल बार डिनोट्स द फेस और फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट या उसके फेस को डिनोट करता है। और ये जो मेरा डबल बार है, ठीक है, ये मेरा सिंगल बार और ये मेरा डबल बार, डबल बार डिनोट्स द सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है बच्चों, ठीक है।
लिखेंगे कैसे, देखो बीच में मेरा हमेशा सॉल्ट ब्रिज आएगा, जो कि आपको भी पता है दो सेल्स के बीच में सॉल्ट ब्रिज आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे मेरा क्या होता है, एनोड। क्या होता है, एनोड यानी ऑक्सीडेशन, हमेशा क्या होगा, एनोड ही होगा। या फिर इधर मेरा क्या होगा, कैथोड, और ये क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन, हमेशा रिडक्शन होगा राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो अब इस इक्वेशन में देखो कि किसका मेरा रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन है। तो जिंक सॉलिड है, सॉलिड से ये टू पॉजिटिव में चला गया, यानी कि इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ, यानी कि ये एनोड की बात हुई है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की। Cu2 पॉजिटिव है यहाँ पे, इसने Cu2 पॉजिटिव से Cu सॉलिड में आ गया और ये मेरा रिडक्शन कहलाएगा। रिडक्शन कहलाएगा किस पे, कैथोड पे, यानी कि राइट हैंड साइड पे। तो हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन भी, अब हम अपना सेल लिख सकते हैं। तो हमारे पास ऑक्सीडेशन पे क्या था, Zn सॉलिड से क्या बना था, Zn2 पॉजिटिव। तो हम लिखेंगे Zn सॉलिड बार, अब सिंगल बार आएगा, ठीक है। सॉलिड से क्या बना था, ये Zn2 पॉजिटिव, कैसा, एक्वस। तो Zn2 पॉजिटिव एक्वस लिखेंगे। उसके बाद मेरा हाफ सेल कंप्लीट हो गया, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, Zn सॉलिड से क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव एक्वस। ये इसे डिनोट कर रहा है इनकी फिजिकल स्टेट को। अब इसके बीच में क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज, तो सॉल्ट ब्रिज बना दोगे। पैरेलल लाइंस या डबल बार मेरा सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है। उसके बाद कॉपर का रिडक्शन हुआ, किस फॉर्म से था, ये Cu2 पॉजिटिव एक्वस से Cu सॉलिड में कन्वर्ट हुआ। तो इधर लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव एक्वस सिंगल बार Cu सॉलिड, ये लिखेंगे, ठीक है, Cu सॉलिड ये हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे करके हमारा सेल रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, किसी भी इक्वेशन का अगर हमें गिवन है तो एग्जाम में, ऐसे करके आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। सिंगल बार फिजिकल स्टेट और उसके फेस को डिनोट करता है, या फिर जो मेरा सॉल्ट ब्रिज है, ये डबल डबल जो डबल बार है मेरा, वो सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमेशा एनोड ऑक्सीडेशन, और राइट साइड पे हमेशा मेरा कैथोड या रिडक्शन, ठीक है। अब लेते हैं एक इक्वेशन जो कि मैं ले रहा था, ठीक है, आ गया समझ में कैसे करना है सेल को रिप्रेजेंट, ठीक है। छोटी छोटी चीज बच्चों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आपको फिर भी कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, ठीक है, प्लीज से। जैसे मैं अब आपको देता हूं एनोड ऑक्सीडेशन पे एक इक्वेशन, जेड एन सॉलिड से अब मेरा बन गया है जेड एन टू पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, वाइल मेरा कैथोड पे रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन यानी गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या था, 2H पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, इधर भी एक्वस लिखेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स H2 गैस, ठीक है। तो अब आप ये देखिए जिंक कैसा है मेरा सॉलिड, इसका तो मेरा इलेक्ट्रोड बन जाएगा, बट क्या गैस का इलेक्ट्रोड बन सकता है क्या मेरा, नहीं बन सकता। क्या एक्वस का इलेक्ट्रोड बन सकता है क्या, नहीं बन सकता। तो हम क्या करते हैं, तो आप लिख लीजिए, इफ वी कैन नॉट मेक द इलेक्ट्रोड ऑफ द सब्सटेंस, या इफ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस, अगर नहीं बनता है, सो इनर्ट इलेक्ट्रोड यानी कि इनर्ट का मतलब क्या हो गया, नॉन रिएक्टिव, मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, इनर्ट इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोलाइट था, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोड ले रहे हैं पूरा, कैन बी यूज, ठीक है। और वो इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या हो गया, लाइक प्लेटिनियम पीटी, या फिर ग्रेफाइट, ज्यादातर हम यहाँ पे प्लेटिनम ही यूज करते हैं, जो बहुत इनर्ट होता है, ये रिएक्ट करता ही नहीं किसी के साथ भी, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन में अगर डालेंगे हम प्लेटिनम, सॉलिड होता है तो वो रिएक्ट ना करे, ठीक है, तो हम इसलिए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, गैस का तो हम इलेक्ट्रोड बना नहीं सकते ना, ठीक है। तो अब हम इसका सेल रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले इसके हम नेट इक्वेशन लिख लेते हैं,
ठीक है, नेट इक्वेशन ऑफ द सेल, नेट इक्वेशन, जैसे हम ओवरऑल इक्वेशन भी बोलते हैं बच्चों, ओवरऑल इक्वेशन क्या होगी मेरी इसकी, देखो जिंक का मेरा ऑक्सीडेशन हुआ और हाइड्रोजन का मेरा रिडक्शन हुआ, दोनों तरफ दो दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, अब लिखेंगे जेड एन सॉलिड, है ना, ये है मेरा प्लस, ये लिखेंगे अब 2H पॉजिटिव एक्वस गिव्स, मैं इधर लिख दे रहा हूँ नीचे थोड़ा, है ना, क्या आएगा अब Zn2 पॉजिटिव एक्वस, Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस, प्लस H2 गैस, ये आ गई मेरे पास इसकी नेट इक्वेशन। यहाँ पे मेरी N की वैल्यू कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है मेरा 2, है ना, N की वैल्यू 2 आई है मेरी यहाँ पे, तो ये भी साथ साथ करते रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखो जिंक तो सॉलिड है, तो यहाँ पे हम पूरा एज इट लिख देंगे कि Zn मेरा सॉलिड था, बार लगाएंगे सॉलिड से Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ, है ना, Zn2 पॉजिटिव में इसका मेरा ऑक्सीडेशन हो गया, दो इलेक्ट्रॉन इसने अपने लूज कर दिए। अच्छा अब बीच में मेरा सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, अब हाइड्रोजन एक्वस स्टेट में था और उसने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके H2 गैस बनाई थी, तो हम यहाँ लिखेंगे 2H पॉजिटिव एक्वस, एक्वस प्लस, सॉरी बार आएगा इधर, बार आएगा मेरा H2 गैस, ये लिख दिया इतना। अब इस गैस का तो इलेक्ट्रोड बन नहीं सकता, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, तो प्लेटिनम यूज करो या ग्रेफाइट, तो हम प्लेटिनम यूज करेंगे, तो हमें क्या करना है, इधर एक कॉमा लगाएंगे और इधर लिखेंगे PT और ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों सॉलिड, तो ये हो जाएगी मेरी सेल की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी सेल की रिप्रेजेंटेशन, आ गया समझ में, ठीक है। सिंक सॉलिड है और ये Zn2 पॉजिटिव एक्वस में कन्वर्ट होता है, तो सॉलिड है ना हमारा, तो इधर हम PT यूज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सॉलिड फॉर्म में था पहले, पर मेरा हाइड्रोजन एक्वस में था और ओरिजिनल किस में है, गैस में, तो गैस का भी नहीं बन सकता, एक्वस का भी नहीं बन सकता, तो इसलिए हमने PT वहां पर इस्तेमाल कर दिया, प्लेटिनियम, आ गया ना समझ में, आ गया समझ में। और यहाँ पे बच्चों हमारी कई बार इनकी कंसंट्रेशन गिवन होती है, ठीक है, एक्वस की मेरी कंसंट्रेशन गिवन होती है, तो इसे हम C1 मान सकते हैं, C1 मोलर, और इसे हम C2 मोलर भी मान सकते हैं, और इसी के आगे लिखनी होती है कंसंट्रेशन, एक्वस के आगे आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो। और प्योर सॉलिड की आपने इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा कि प्योर सॉलिड है या लिक्विड है, प्योर लिक्विड ले लो या सॉलिड ले लो, ठीक है, इनकी हम कंसंट्रेशन हमेशा 1 लेते हैं या फिर एक्टिव मास हमेशा 1 लेते हैं, ठीक है, ऑलरेडी सेलेक्टेड होता है, 1 लेते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन चेंज होती है एक्वस की, और गैस की कंसंट्रेशन हम प्रेशर में लेते हैं, ठीक है, प्रेशर को करते हैं कंसंट्रेशन, क्या प्रेशर बोलेंगे, ठीक है, गैस को हम प्रेशर में करते हैं, बाकी एक्वस है लिक्विड वगैरह के लिए उसकी कंसंट्रेशन को हम लेते हैं, बाकी जो मेरा प्योर होता है लिक्विड और सॉलिड उसे हम 1 मानते हैं, ठीक है, नोट डाउन करो इसे इतना को। हो गया चले आगे, चलिए मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं, आपको उस इक्वेशन से आपको लिखना है, या फिर मैं पहले आपको एक इक्वेशन और लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक इक्वेशन दूंगा, उसका आपको सेल रिप्रेजेंटेशन करना है और उसकी नेट इक्वेशन खुद लिखनी पड़ेगी, ठीक है, मैं पूरा पूरा 1 मिनट रुकूंगा, जैसे आप पॉज करके ट्राई करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, चलो एक इक्वेशन और देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, ठीक है, अगर किसी बच्चे को नहीं है समझ में आया अभी भी, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, ठीक है, H2 गैस है मेरे पास और इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इधर मेरा रिडक्शन हुआ है कैथोड पे, ठीक है, 2Ag पॉजिटिव का, और इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए जो हाइड्रोजन ने लूज करे और बना लिया 2Ag
सॉलिड, ठीक है, ये भी मेरा एक्वस में है और ये भी मेरा एक्वस, वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। नेट इक्वेशन निकाल देंगे तो दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, कर दिए। उसके बाद देखो अब एच टू गैस पहले लिखेंगे, है ना, एच टू गैस प्लस टू ए जी पॉजिटिव एक्वस, ठीक है, गिव्स क्या दे रहा है, टू एच पॉजिटिव एक्वस, एक्वस प्लस क्या देगा, टू ए जी सॉलिड। ये मेरे पास आ गई इसकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सेल के रिप्रेजेंट करना है सेल में, तो देखो ए जी सॉलिड में है, बस ये मेरा किस में है, गैस में है, तो पी टी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन को रहा, तो यानी कि पहले लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन ही आता है सेल के, यानी कि एच टू पहले लिखेंगे, तो एच टू गैस से बाढ़ लगाएंगे, किस में कन्वर्ट हुआ था मेरा, एच पॉजिटिव में, ठीक है, टू इसका नहीं लेते हम, कई बच्चे होते हैं कि टू लेना है, ठीक है, टू नहीं एच पॉजिटिव एक्वस लिख देंगे, बस बात खत्म। फिर सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे, उसके बाद टू ए जी, अब देखो मैं यहाँ पे टू लिख रहा था खुद, ठीक है, ए जी पॉजिटिव आएगा एक्वस में, और यहाँ पे एक बाढ़ लगा देंगे और लिखेंगे ए जी सॉलिड, ए जी सॉलिड। तो ये तो सॉलिड में इसका इलेक्ट्रोड बन सकता है क्या, गैस और एक्वस का बन सकता है, नहीं बन सकता। तो इधर एक कॉमा, और सबसे पहले क्या आएगा मेरा, पी टी और सॉलिड, और ये हो जाएगी मेरी सेल की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और बात करें हमारे एन की, तो एन की वैल्यू मेरी यहाँ पे टू आ गई, एन की वैल्यू टू आ गई, ठीक है बच्चों। मैं मार्कर में इंक डाल लूँ, फिर अपनी और थोड़ी अब हार्ड इक्वेशन करेंगे, तो भी बहुत सन इक्वेशन है, अब डेड इक्वेशन आएगी बच्चों, ठीक है, डेड इक्वेशन वो करेंगे। चलिए आप जरा एक इक्वेशन लिखिए, मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, उसके बाद हम उसका सेल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, पहले आप करिए फिर मैं करूँगा। लिखिए एक इक्वेशन जरा, टू ए जी पॉजिटिव एक्वस में हमें दिया है, प्लस एच टू गैस गिव्स टू ए जी सॉलिड प्लस टू एच पॉजिटिव एक्वस, ये हमें यहाँ पे दिया है। इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताइए, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है आपको, ठीक है, एन की वैल्यू बतानी है, करिए कैसे करेंगे, एन की वैल्यू बतानी है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनाना है और सेल रिप्रेजेंट करना है। करें स्टार्ट, आप पॉज करके ट्राई करिए, मैं करा रहा हूं, ठीक है। देखो बच्चों करना क्या है, ये 2Ag पॉजिटिव है यानी कि ये एक्वस स्टेट में है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ, ये क्या करेगा अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और सॉलिड बना लिया इसने, यानी कि गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन चली है यहां से यहां तक मेरी, इसके साथ Ag के साथ, तो इस ये क्या करेगा हमारा रिडक्शन करेगा, है ना, रिडक्शन करेगा कैथोड पे, यानी कि राइट हैंड साइड की बात हमारी कंप्लीट हो गई। फिर H2 गैस था, ये 2H पॉजिटिव एक्वस में चला गया, इसने करा है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने ऑक्सीडेशन कर दिया है, किस पे, एनोड पे, किस पे, एनोड पे इसने ऑक्सीडेशन कर दिया है। तो मेरे यहाँ पे अब दो इक्वेशंस मैं बना सकता हूँ, तो पहले बना दीजिए आपने, पहले रिडक्शन लिखिए, पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे, तो एच टू मेरा गैस में था, है ना, इसने क्या करा अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, ये टू एच पॉजिटिव एक्वस में आ गया और इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, वहीं ए जी आया और ए जी कैसा था, टू ए जी पॉजिटिव एक्वस में था और इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन से ले लिए, अपने क्या मतलब उसने छीन लिए, और प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्स टू ए जी सॉलिड, ठीक है। ये मेरी कहानी किस पे हुई है,
ऑक्सीडेशन पे और एनोड पे, और ये मेरी कहानी हुई है किस पे, कैथोड पे और रिडक्शन पे। मुझे लग रहा है हमने वापस से सेम इक्वेशन कर ली क्या, शायद से। ठीक है, वैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। ये आ गया, उसके बाद दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे। हाँ वही देखो, वही सेम हो गई इक्वेशन, वही सेम हो गई है। ठीक है ना, बस यहाँ पे हमने थोड़ा आगे पीछे से लिख दिया। देखो यहाँ पे एच टू था, ठीक है, इक्वेशन हमें दी थी। अब इसका सेल रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर देंगे, है ना। अब यहाँ से हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑक्सीडेशन पे मेरा एच टू था, है ना, ऑक्सीडेशन में मेरा एच टू था, तो लिखेंगे एच टू गैस से किस में आया, एच पॉजिटिव एक्वस में आ गया था। सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे और मेरा ए जी पॉजिटिव एक्वस से ए जी सॉलिड में आ गया था, ये गैस में है, तो इधर एक हम प्लैटिनम लगा देंगे, पी टी सॉलिड। ये होगी मेरी सेल रिप्रेजेंटेशन। अब एग्जाम में बच्चों क्या करते हैं, वो खेलते हैं आपके साथ। जैसे यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन लिखा है, ठीक है, और इधर मेरा रिडक्शन हाफ लिखा है। ये क्या लिखा है, मेरा इधर ऑक्सीडेशन हाफ और इधर मेरा लिखा है रिडक्शन हाफ, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ, ये रिडक्शन हाफ, है ना। देखो H2 गैस है, गैस से वो H पॉजिटिव में चला गया, वो क्या करेंगे ना, आपको वो ऐसे लिख के दे देंगे, वो लिखेंगे पी टी सॉलिड H पॉजिटिव एक्वस बार एच टू गैस और डबल बार यानी कि सॉल्ट ब्रिज ए जी पॉजिटिव एक्वस और ए जी सॉलिड, वो आपको ऐसे लिख के दे देंगे, मतलब इधर आपको रिडक्शन हाफ लिख के दे देंगे। लेकिन हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू आई यू पी एस सी अकॉर्डिंग टू आई यू पी एस सी एनोड इज सिचुएटेड एट एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड, तो ये हमेशा हमारा एनोड ही होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे वो जो भी देंगे वो एनोड ही होगा, चाहे वो, सॉरी बच्चों जरा थोड़ी लाइट चली गई थी, ठीक है, तो थोड़ा वीडियो को मैं एडिट कर दिया हूँ, ठीक है। अब आगे वही देखते हैं अपना, मैं बोल कह रहा था कि जो हमारा एनोड है वो एल एच एस पे था, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे ही हमेशा रहेगा, फिर चाहे वो आपको उसका रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों ना दे। जैसे यहाँ पे हमें H2 गैस था, इसने लूज इलेक्ट्रॉन करे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन दिया, यहाँ पे क्या करा इन्होंने H पॉजिटिव एक्वस से H2 गैस दे दिया है, ठीक है, ये यहाँ पे एक रिडक्शन हाफ इन्होंने दे दिया है, ठीक है। तो भले ही वो लेफ्ट हैंड पे आपको रिडक्शन हाफ ही क्यों ना देते हैं, आपको क्या समझना है कि ये क्या है, मेरा एनोड है, ठीक है, हमेशा ये मेरा क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन हो गई 2Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस H2 गैस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 2Ag सॉलिड प्लस 2H पॉजिटिव एक्वस। PT क्यों लगाया है, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है, और उधर ये एक्वस में है, ठीक है, और इधर हमने PT लगानी क्योंकि ये मेरा Ag कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। तो आप एक इक्वेशन और लिखिए बच्चों, एक इक्वेशन और लिखिए। अब थोड़ी मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इक्वेशन का थोड़ा सा लेक्चर और रहता है, उसके बाद अपने लेक्चर को रैप अप करते हैं। लिखिए इक्वेशन, इक्वेशन है हमारे पास MnO4 नेगेटिव एक्वस में प्लस C2O4 टू नेगेटिव एक्वस प्लस 16H पॉजिटिव गिव्स 2Mn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 10CO2 प्लस 8H2O, ये करनी है बच्चों, ठीक है। इस इक्वेशन को करिए, इस इक्वेशन को आपको रिप्रेजेंट करना है सेल की फॉर्म में, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को देखते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो ये जो मेरा कार्बन है, ये कार्बन 2, 4, 8 और 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाए, 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो ये मेरा 3 पॉजिटिव में है,
ये थ्री पॉजिटिव में से इधर आएगा और ये किस में चला गया, इधर फोर पॉजिटिव में। तो इसने थ्री पॉजिटिव से किस पे आ गया, फोर पॉजिटिव पे। इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा तो ये किस पे आ गया, मेरा ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन यानी इसने एनोड पे अपनी जनह जगह बना ली है। उसके बाद ये एमएन की बात करेंगे तो एमएन पे आ जाएगा मेरा ये टू है बच्चों, इधर ये टू लगा लो, ठीक है। टू टू फोर था एट, एट में से वन माइनस करेंगे सेवन, तो ये आ जाएगा मेरा सेवन पॉजिटिव है एमएन। ये सेवन पॉजिटिव से मेरा कितने पे आ गया है, टू पॉजिटिव पे। ये सेवन से मेरा टू पॉजिटिव पे आ गया है, तो हो जाएगा मेरा इसका रिडक्शन, यानी कि इसका कैथोड पे इसने अपनी जगह बना ली है बच्चों, रिडक्शन। अब इसका सेल रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इजीली। ये जो एच पॉजिटिव है यानी सिक्सटीन पॉजिटिव, ये इसका एम एन ओ का एसिडिक मीडियम डिनोट कर रहा है बच्चों। तो हम लिखते हैं पहले लेफ्ट पे हम एनोड लिखेंगे, एनोड लिखेंगे यानी कि ऑक्सीडेशन। तो लिखेंगे सी टू ओ फोर टू नेगेटिव एक्वस, ठीक है, सिंगल बार। उसके बाद CO2 में कन्वर्ट हो गया, कैसी है CO2, गैस है, ठीक है। ये मेरा इधर गैस है और ये मेरा इधर लिक्विड है, तो CO2 गैस। ये मेरा हो गया एनोड का सेल। सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, सॉल्ट ब्रिज लगाने के बाद ये लिखेंगे, ये सेवन से किस में करंट हो गया, टू पॉजिटिव में। तो ये इसने गेन करे ना इलेक्ट्रॉन, सेवन पॉजिटिव, जितना कम इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतने कम इलेक्ट्रॉन्स। तो लिखेंगे एम एन ओ फोर, ठीक है, नेगेटिव एक्वस में है और इसकी एसिडिक मीडियम भी हमें गिवन है, तो लिख देंगे कॉमा लगा के एच पॉजिटिव एक्वस सिंगल बार। क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे एम एन टू पॉजिटिव एक्वस, ये हो जाएगा मेरा इस सेल का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ ये इसमें क्या गलती है हमारी, ठीक है। देखो ये दोनों तरफ एक्वस में है, उधर भी एक्वस इधर भी एक्वस, और ये गैस में भी है, तो गैस और एक्वस को तो हमारा इलेक्ट्रोड बन ही नहीं सकता। तो हम इधर क्या करेंगे, पी टी सॉलिड लगा देंगे और उधर भी एक पी टी सॉलिड लगा देंगे, ठीक है, कॉमा लगा के यहाँ पे आ जाएगा ये मेरा, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी सेल की पूरी पूरी रिप्रेजेंटेशन, आ गया समझे बच्चों। तो इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। वैसे ये जेई के लेवल का है, थोड़ा आपको इससे हल्के ही मिलेंगे, अगर आप बोर्ड का कोई बच्चा देख रहा है तो इससे हल्के ही मिलेंगे, ठीक है। जेई के बच्चे इससे आपको हार्ड भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और टॉपिक आता है कि आप सेल रिप्रेजेंटेशन देख के, ये जो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन है, इस रिप्रेजेंटेशन को देख के आप नेट इक्वेशन लिख दो, ठीक है, नेट इक्वेशन लिख दो। Writing the net cell equation from representation of cell. आप इसका एक पॉइंट बना सकते हो, तो लिख लीजिए, मैं आपको फिर इक्वेशंस देता हूँ, है ना। लिखिए Writing the net cell equation from रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो मैं आपको इक्वेशन दे रहा हूं, उससे पहले आप, या फिर उससे पहले आप एक चीज समझिए, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, उसके बाद मैं भी आपको इक्वेशन देता हूं, मैं लिख के लाया हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम में एक चीज पढ़ी है, रिएक्शन क्वेश्चन। क्या पढ़ी है, रिएक्शन क्वेश्चन, ठीक है, रिएक्शन क्वेश्चन। इसे हम क्यू से डिनोट करते थे बच्चों, और किसके इक्वल होता था ये, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, यही होता था। और स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर्स आ जाती थी ऊपर, इधर ए इधर बी इधर सी, है ना, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की पावर बढ़ा देती थी। और इसे हम एक्टिव मास लेते थे, ठीक है, एक्टिव मास, और एक्टिव मास में मेरा यही कंसंट्रेशन आता था फॉर एक्वा सोल्यूशन, कंसंट्रेशन फॉर एक्वा सोल्यूशन, और क्या आता था, प्रेशर फॉर गैसेस, ठीक है, प्रेशर फॉर गैसेस। अगर गैसेस है तो उसका प्रेशर लेंगे, और अगर एक्वा सोल्यूशन है तो उसकी कंसंट्रेशन लेते थे, ठीक है। और मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि फॉर प्योर सॉलिड एंड लिक्विड हम क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन इज यूनिटी,
लेते हैं यूनिट यानी कि वन, ठीक है। तो ये करेंगे, तो मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, अब आप उसे एक बार करिए ट्राई, और ये लास्ट इक्वेशन होगी, ठीक है। ये दो इक्वेशन कर लेते हैं, तो हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन है एच टू गैस और ये एच पॉजिटिव एक्वस में, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे SN4 पॉजिटिव एक्वस से, ये आ गया मेरा SN2 पॉजिटिव एक्वस में, और इधर मैंने ले लिया है अपना PT सॉलिड, ठीक है PT सॉलिड। तो अब देखिए इसे कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन लिखनी है हमें, तो पहले ऑक्सीडेशन की वो लिखेंगे इक्वेशन, उसके बाद रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। H2 है, है ना, देखो एनोड, ठीक है एनोड, और इस पे हुआ क्या है मेरा ऑक्सीडेशन, किसका हुआ है हाइड्रोजन का, H2 गैस था मेरी, गैस से किसमें आ गया H पॉजिटिव में, यानी कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, दो H हैं, तो 2H पॉजिटिव प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन आएगा लेकिन दो हाइड्रोजन है ना, तो 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया मेरे एनोड की इक्वेशन। कैथोड की बात करेंगे तो कैथोड पे मेरा रिडक्शन हुआ है, किसका हुआ है मेरा रिडक्शन, टिन का SN का, है ना रिडक्शन। देखो ये मेरा SN4 पॉजिटिव एक्वस में है, किसमें चला गया SN2 पॉजिटिव, यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, किसके इस हाइड्रोजन के, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिया और क्या बना लिया SN2 पॉजिटिव एक्वस बना लिया, तो इसकी हमारे पास नेट सेल इक्वेशन आ जाएगी। तो लिख देंगे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और लिखेंगे H2 गैस है ना प्लस SN4 पॉजिटिव एक्वस में गिव्स 2H पॉजिटिव, ये भी मेरा एक्वस में है, मैंने इधर लिखा नहीं, ठीक है आप जरूर लिखें एक्वस, और प्लस SN2 पॉजिटिव एक्वस में, ठीक है ये हो जाएगी इसकी नेट सेल इक्वेशन। और N की वैल्यू मेरे यहाँ पे कितनी आ जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी मेरे यहाँ पे 2, कितनी आ जाएगी N की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी N की वैल्यू 2। अब आप इसका क्या रिएक्शन क्वेश्चन लिख सकते हैं, इसका रिएक्शन क्वेश्चन लिखना आना चाहिए बच्चों, मैं एक मिनट इंक डाल लूँ मार्कर में, बस थोड़ा सा जाता है, ठीक है रिएक्शन क्वेश्चन लिखना आना चाहिए, ठीक है आपको इसका रिएक्शन क्वेश्चन लिखना आना चाहिए। तो ऊपर किसी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट है मेरा ये, तो लिख देंगे एक्वस है, ठीक है एक्वस है, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ये आगे 2, तो एच की जो मेरे पास आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, तो लिखेंगे क्यू है ना इक्वल्स टू में कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव कितनी आ जाएगी पावर 2, क्योंकि आगे 2 लगा है, प्लस SN2 पॉजिटिव, एस के आगे हमारा कोई भी वो नहीं है, प्लस नहीं लगेगा, ठीक है कोई भी हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, तो SN2 पॉजिटिव मेरा एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, एच टू क्या है गैस है, तो प्रेशर ऑफ एच टू लिखेंगे इसे, बस खत्म। उसके बाद SN4 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव हो जाएगा मेरा इसका रिएक्शन क्वेश्चन फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है रिएक्शन क्वेश्चन फॉर दिस इक्वेशन आ गया समझ में। तो ये था बच्चों मेरा लेक्चर, ठीक है आई होप समझ में आया होगा, कोई डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है सॉरी फॉर द ग्लिच है ना, आज वीडियो में थोड़ी लाइट चली गई थी बच्चों, उसके लिए मैं दोबारा सॉरी बोलता हूँ आपसे, ठीक है काफ़ी वीडियो को बनाना मुश्किल हो जाता है, तो आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए, मैं चाहता हूँ कि जो ये वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जाए, ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा बच्चों, ठीक है बच्चे वीडियो देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सपोर्ट कैसे मिलेगा बच्चों, ठीक है वीडियो जा ही नहीं रही है ज़्यादातर बच्चों तक, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।